नमस्कार, न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बिहार राज्य उच्च स्तरीय माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की ओर से अपनी प्लस टू विद्यालयों में कार्यरत 4203 अतिथि शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष तक नियमित करने की मांग को लेकर शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि सभी 4203 अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता प्लस टू और बीएड उत्तीर्ण है। सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति 2018 में की गई थी। वहीं शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि 4203 कार्यरत अतिथि शिक्षकों की पदों को तत्काल प्रभावित से एसटीईटी के पदों से अलग किया जाए और पूरे बिहार के कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष तक नियमित की जाए, ताकि प्लस टू विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था कायम रहे, ताकि इस तरह से सबका साथ और सबका विकास, सबको रोजगार सुनिश्चित की जाए। क्या कुछ तमाम बातें उनका उन्होंने कही है, सुनिए। देखिए, हम लोग का मुख्य मांग है बिहार के 4203 जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, उनकी सेवा को 60 वर्षों तक नियमित करने का। दूसरा, सबसे अभी तत्काल प्रभाव से शिक्षा विभाग जो हम लोग को सामूहिक हत्या करने जा रही है 28 जनवरी 2020 को, एसटीईटी 2019 में हमारी रिक्ति को, हमारे पदों को जो पदस्थापित है, अभी काम कर रहे हैं 4203 पदों को रिक्ति दिखाने का जो काम किया है, उसको रिक्ति दिखाना बंद करें। और मुख्यमंत्री महोदय जल जीवन हरियाली यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में, हम सभी स्वागत कर रहे हैं और आप ही लोग के माध्यम से मानव श्रृंखला का भी संघ ने समर्थन किया है जो 19 जनवरी को होने वाला है। परंतु हर जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री महोदय मोतिहारी मधेपुरा में स्पष्ट रूप से हमारे शिष्टमंडल को कहे कि आप लोग अतिथि शिक्षक थोड़े रहिएगा, आप लोग तो परमानेंट हो ही जाइएगा। उसके बावजूद भी हमारा रिक्ति को एस्टेट 2019 में हमारे पदस्थापित पदों को रिक्ति दिखाने का शिक्षा विभाग किया है। हम मांग कर रहे हैं कि तत्काल अविलंब 24 घंटा 48 घंटा के अंदर मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा विभाग के नकारात्मक रवैये पर लगाम लगाएं। तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।